जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की है। आरजी के प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ। डॉक्टर ने आईएमए ने 5 मांगे रखी। प्रिंसिपल से पूछताछ रडार पर 35 लोग। तो आरजी के प्रिंसिपल से आज पूछताछ, तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिंसिपल से पूछताछ है और इस बीच 35 लोग रडार पर हैं। कोलकाता रेप कांड में सीबीआई जांच तेज। सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की। आरजी के प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टरों ने आईएमए ने 5 मांगे रखी हैं। प्रिंसिपल से पूछताछ और 35 लोग रडार। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में यहां पर डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि आज भी ओपीडी सेवाएं अन्य रूटीन आपको बता दें कि रूटीन ठप है। वहीं आपात सेवाएं चालू है। मध्य प्रदेश के 3,000 डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल है। डॉक्टर्स ने नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में आज भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज निजी अस्पतालों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। वहीं आईएमए ने भी डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन देते हुए 24 घंटे के महाबंद का ऐलान किया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंदौर, बैतूल, रायसेन, ग्वालियर और मंडला की तस्वीर जहां डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। रायसेन की तस्वीरें आप अस्पताल के अंदर की देख पा रहे हैं। मरीज परेशान है, हालांकि खासा परेशानी तो मरीजों को हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं अभी भी जारी। और हैवानियत पर डॉक्टरों के अंदर आक्रोश है, जिसकी तस्वीरें हैदराबाद, त्रिवंतपुरम, मुंबई, दिल्ली, भोपाल और पंजाब अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चारों तरफ ही डॉक्टरों में खासा नाराजगी इन पूरी स्थितियों को लेकर देखने को मिल रही है। कोलकाता में जो हैवानियत देखी गई, उसकी तस्वीरें, उसके रोष की, आक्रोश की तस्वीरें अब डॉक्टर्स में जगह जगह से सामने आ रही। चाहूंगा कि ये जो ममता बनर्जी की जो असंवेदनशील सरकार है एवं जो विफल सरकार है, जिसने पूरे मानव समाज को शर्मसार कर देने वाली जो घटना उनके वहां घटी है और उसके वो सबूतों को मिटा रहे हैं, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस डॉक्टर को, उस महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज इस भारतवर्ष के नहीं, संपूर्ण विश्व की तरफ से आज सब लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आपकी जांच जो है कोई सही नहीं चल रही है। एवं मैं आपको चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि या तो आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपसे ये समझ नहीं रहा।